अली भी, आप इमामा कट वाला क्यों बांधते हैं, गोल क्यों नहीं बांधते? क्योंकि इससे तो सिख हजरात का जो इमामा है वो भी तकरीबन सेम इसी तरह का ही होता है जिस तरह से आप बांधते हैं। सेम इस तरह का नहीं होता सर, सिखों का इमामा जरा आप गौर से देखें। पहला फर्क ये होता है कि सिखों के इमामे में कान ढके हुए होते हैं, ठीक है जी। ये सर मैनू सवाल किया है ना, मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। कान ढांपे होते हैं, हमारे कान बाहर होते हैं। नंबर टू, सिख शिमला नहीं छोड़ते, और मैंने हदीस से बताया कि नबी इस्लाम ने शिमला छोड़ने का हुक्म फरमाया। ये गैर मुसलमों और मुसलमानों के दरमियान पगड़ी का फर्क है। बाकी रह गया कट वाला मसला, ये एक छोटी सी रिजामनेस अगर लेंगे तो मैं कल को कहूंगा कि हिंदू जो है गंगा पे जाके पानी को मुतबरक समझते हैं, आप जमजम को समझते हैं। इतनी रिजामनेस तो मौजूद है ना, क्या इसकी बुनियाद पर आप जमजम के पीने को हिंदुओं वाला अमल करार दे देंगे? ये कट वाला इसलिए बांधा जाता है कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि सात आज़ा के ऊपर मैं सजदा करूं, दो हाथ, दो घुटने, दो पाँव के पंजे और जो है वो माथा, और आपने इशारा नाक की तरफ किया, यानी ये दोनों हड्डियां ज़मीन पे जमना ज़रूरी हैं सजदे में। जो लोग गोल इमामा बांधते हैं ना, वो जब सजदा करने लगते हैं तो बाज़कात ये माथा डायरेक्ट नहीं लगता नीचे, ज़्यादा इस चीज़ के चांस होते हैं, इसलिए ये अमली तवातुर से चल रहा है। इवन अहमद अब रेलवी साहब की आप ओरिजिनल तस्वीरें पुरानी रखी हुई हैं, उसमें भी देखें कट वाला इमाम है। इधर भी आप देखें कई उलमा जो हैं वो, यानी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सारे ही कट वाला भी बांधते हैं। सिंधी टोपी भी तो कट वाली होती है ना, उसको तो किसी ने कहा ये सिखों वाली है, तो हालांकि वो सारे मौलवियों ने वो भी पहनी हुई होती है। तो ये इसका कोई ऐसा मामला नहीं, कट जो है वो नमाज पढ़ने के लिए। अलबत्ता सही बुखारी में एक हदीस है कि एक दफ़ा ज़मीन गर्म थी और सहाबा का रश था, तो सहाबा इकराम कहते हैं हम एक दूसरे की पुश्त पे भी सजदा कर रहे थे, और जो डायरेक्ट ज़मीन पे करते थे वो अपने पगड़ी का पेच आगे ले आया करते थे और उस पेच के ऊपर सजदा करते थे ताकि तपिश न लगे। वो एक मामला अलग है, वैसे डायरेक्ट ये माथा लगना चाहिए। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है नबी अलैहिस्सलाम पगड़ी का ऐसा इहतमाम करते थे कि आप अपना यानी मसा भी पगड़ी के ऊपर फरमाया करते थे, और बसे के दौरान पगड़ी नहीं उतारते थे, ना मोज़े उतारते थे ना पगड़ी। एक दफ़ा यानी वुजू करके पहन लें तो मुकीम जो है वो सही मुस्लिम में आता है कि पांच नमाजों तक, और जो मुसाफिर है वो पंद्रह नमाजों तक, यानी तीन दिन और तीन रात तक मसा कर सकता है पगड़ी पे भी। इस तरीके से औरत ने अगर एक दफ़ा वुजू करके हिजाब पहन लिया तो उसको दोबारा हिजाब वुजू के लिए उतारने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर ही मसा कर ले काफ़ी। यानी नबी इस्लाम इतना पगड़ी का अहतमाम इस हवाले से किया करते, तो ये कोई सिखों का तरीका नहीं है, मुसलमानों का ही तरीका है, और इसको फॉलो करें, अभी खाम खा फतवे ना लगाएं। अच्छा अली भाई, जो अगर कोई गोल पगड़ी भी बांधता है जिस तरह शिया हजरात है वो थोड़ी सी पीछे करके बांध देते हैं, तो वो इस तरह किया जा सकता है सजदा करने के लिए? जायज़ है, लेकिन यह नहीं, ये बालों का सामने निकला होना ये एक बड़ी यानी मायूब सी चीज़ है, और उसमें तो यहूदियों के साथ ममासलत वाले चांस होते हैं। आपको पता है यहूदियों की पार्लियामेंट में भी जो लोग बैठे होते हैं उन्होंने इधर टोपियाँ रखी हुई होती हैं छोटी छोटी, देखा आपने कॉलिन हुआ, ठीक है ना। तो ये माथे के बाल जो है ना, ये भी यानी शिया और अहले हदीस के दरमियान कॉमन चीज़ है। अहले हदीस और शिया में बहुत चीज़ें कॉमन है, नंगे सर नमाज पढ़ना, और इसी तरीके से ये वाला मामला भी है कि वो अहले हदीस भी जब टोपी पहनते हैं तो बाल आगे निकाले होते हैं, ये बताने के लिए कि मैं बरेलवी नहीं हूँ, मुझे कोई देवबंदी ना समझ ले, ठीक हो गया। तो ये निशानियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं, जैसे मूछें साफ करना एक खास यानी तबलीगी जमात ने निशानी बना ली, तो इस तरह इन लोगों ने निशानियाँ बनाई हुई हैं, निशानियों से बचना चाहिए। मुझे देख के कोई पहचान सकता है? आए थे वैसे ही नहीं पहचान होंगे, ठीक। और बातें सुन के तो सारे परेशान हो जाते हैं, कौन है, किड़े फिरके का है, पता ही नहीं लगता। जेड़ा क्लिप सुनो नवे फिरके का नजर आता है, इसलिए कि जहां पे सच्चाई हम बयान करते हैं डंके की चोट पे, क्यों करते हैं? क्योंकि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। ये मैं शेर इसलिए बार बार पढ़ता हूँ, बाद लोगों को बुरा लगता है कि जब भी इल्मी बात होती है ना तो मौलवियों के पास बड़ी गालियां हैं, इल्मी गालियां मौजूद हैं, हम उनको साथ साथ वैक्सीन करते रहते हैं कि कहीं उनके दिमाग में बात आए तो पहले ही जनाब तुहाड़ा काम सीधा है, क्योंकि मौलवियों नाल रहा है, दाइयों को ढेड नहीं छुपे होते, दाइयों से पेट नहीं छुपे हुए होते, उनको पता होता है कि मौलवी कहां कहां से घुस सकता है लोगों को वसवसा दिलाने के लिए। तो शैतान अगर आपको वसवसा दिलाए तो आप कह दिया करें ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब, ठीक है।